अब मोर देन 8000 फीट के ऊपर है एंड और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है कम्प्लीटली, अभी तो स्नो नहीं है। Guys, welcome back to my channel. This is Prashant Sahan, my travel vlogger. और आज हमारे साथ है वही चारों सब, तीनों सब जो थे, कोई गया नहीं घर पे। तो आज हमारा दूसरा दिन है, राइट? हाँ। ओके, अरावेल आने के बाद का दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं चंदकरी हिल्स, जाओ जहाँ पे स्नोफॉल एक्चुअली होता है। अगर विंटर सीजन हुआ तो, हाँ विंटर सीजन हुआ तो स्नोफॉल होगा, बट अभी भी बहुत ठंडी है। यहाँ पे भी ठंडी है। हाँ। Okay. ठंडी है मतलब, ठीक है, हमको थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। बाइक्स हम लोग ने ऑलरेडी रेंट किया है, कितने का लिया बाइक्स? एक एफजी लिया है 1800 NPR, नेपालीज रुपीज़ पर डे बस। और ये भाई साहब का एक बाइक है एमटी। तो अभी एक घंटा लगेगा यहाँ से, आधा घंटा है, आधा घंटा से 45 मिनट्स लगेगा पहुँचने में। उसके बाद वहाँ पे है केबल कार जिससे हम चंद्रगिरी हिल्स तक जाएंगे, वो एक टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं खाने का। ब्रेकफास्ट चंद्रगिरी में मिलेंगे। तो फाइनली हम लोग अभी तक मेन रोड्स पे थे, पर अभी ये पहाड़ के बीच में से रास्ते अप्स एंड डाउन्स, जो नॉर्मल नैरो टर्न्स और वो सब शुरू हो गया है। तो वी आर क्लाइंबिंग अप द चंद्रगिरी हिल्स, इसके बाद विल स्टॉप एंड टेक अ केबल कार। तो तभी उसके बाद दिखाते हैं आपको, अभी आप व्यू देख लीजिए। ये एक हिल स्टेशन है, ऊपर हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, केबल कार से चढ़ के जा रहे हैं। बाइक से जाने का भी जगह है, रास्ता है, बट लंबा है, रोड अच्छा नहीं है। सो ऊपर एक छोटा सा मंदिर है और देखने का जगह है, व्यू वगैरह। हाँ, हिल स्टेशन है। सो काठमांडू वैली दिखेगा। यहाँ पे स्नोफॉल होता था क्या? होगा क्या स्नोफॉल यहाँ पे, मतलब विंटर सीजन में? विंटर में होता है, हर एक साल 2-3 साल से हो रहा है। और अगर स्नोफॉल होगा तो नीचे तक लाइन होगा, बहुत लंबा लाइन होगा। सो स्नोफॉल के टाइम में आने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, अनलेस आप वहीं पे हो तो मजा आएगा। केबल कार का कितना कोई आइडिया? 500 होगा, ऊपर जाके पता चलेगा। ओके। देयर इज ओनली वन ऑफ यू, ओनली वन ऑफ मी, देयर इज अ मिलियन ऑफ दोस हु वोंट लेट अस बी, बट दे नॉट गोना सी मी ब्लीड, cuz बेबी आई गॉट यू 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 यू। I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live, cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. It's a new beginning and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. Oh, yeah, तो आपने व्यू देखा, हम लोग 8000 फीट के ऊपर है, राइट? 8268 अब मोर देन 8000 फीट के ऊपर है एंड और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है कम्प्लीटली, अभी तो स्नो नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ जिप लाइनिंग वगैरह भी है, वॉल क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, स्विंग, वो सब कुछ है। तो ये मंदिर का नाम है भालेश्वरा महादेव। इसका कोई हिस्ट्री, डू यू नो एनीथिंग?
नहीं, यहाँ पे पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अभी बहुत कमर्शलाइज हो गया है। इधर उधर देख सकते हैं रिजॉर्ट बनाया है, मंदिर भी बड़ा बना दिया है। हाँ, पीछे की तरफ रिजॉर्ट वगैरह भी है यहाँ पे, आप चाहे तो केबल कार में ऊपर आके रिजॉर्ट पे भी रह सकते हो। एंड और कुछ है क्या? ज़िपलाइन वगैरह है बस। थोड़ी देर पहले कहा यहाँ पे अगर फॉग वॉग नहीं रहेगा तो देखने के लिए व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ पे व्यू पॉइंट भी है, पीछे देखने के लिए जगह भी है। फॉग में आज कुछ भी नहीं दिख रहा एक्चुअली में, पर ठीक है ठंडी है। और नीचे जैसी बारिश शुरू हो जाता है काठमांडू में, सब यहाँ पे भीड़ हो जाता है पूरा स्नोफॉल के लिए। विंटर सीजन में बस। यस, क्या बन के आई है ये पूरा? बोले बाबा। महादेव का? हाँ, रुद्राक्ष पहन। एंजॉय। अपन चलते हैं व्यू टावर, जबकि कोई व्यू है भी नहीं, ऐसा ही करेंगे, फिर भी चल के जाने में मजा आता है। कोई व्यू नहीं है, पूरा फॉग 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 फॉग। तो बेसिकली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा हिमालय रेंज, मानसल हिमालय रेंज, गणेश हिमालय रेंज, ये गौरी शंकर हिमालय रेंज और माउंट एवरेस्ट। यहाँ से व्यू मतलब टावर जैसा दिखाया है, और यहाँ पे टेलीस्कोप है जो अभी बंद दिख रहा है गाइस, आई थिंक बारिश की वजह से टेलीस्कोप इज़ नॉट वर्किंग, बट स्टिल अगर यहाँ पे फॉग नहीं रहता है तब टेलीस्कोप से यहाँ से आई थिंक देख सकते हो पूरा रेंजेस ये सारे। यहाँ पे जिप लाइन है बट दैट इज़ ओनली 200 meters, और यहाँ पे पूरा फॉग है तो नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा। 200 meters अगर आपको जिप लाइन करना था दैट इज़ 1000 नेपाली रुपीज़ वीडियो के साथ, एंड विदाउट वीडियो इट्स 800। सो करना तो कर लो, फॉग रहेगा तो करके मतलब नहीं बनता, कुछ दिखेगा नहीं, बट या तो लड़की कैसा लगा एक्सपीरियंस? मस्त है। चंद्रगिरी हिल्स अच्छा लगा? हाँ। ठंडी सब अच्छा है। केबल कार बहुत अच्छा, नहीं केबल कार आने में नहीं इतना लग रहा था, उतना वापस जाने में ज्यादा लगेगा, क्योंकि बिकॉज़ द आई मीन स्लोप डाउन इज वेरी डीप और वो मतलब हिट करता है। वेल मजा आने वाला, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं जा रही हूं, मैं चल के वापस जा रही हूं। चल के भी जा सकते हो, ट्रैक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 4-5 घंटा लगेगा। हां, ये रास्ते से एक्चुअली यहां पे रास्ता, यहां से ट्रैकिंग के लिए नीचे जा सकते हो। स्टेप 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 क्या हो रहा है इधर चल के, पर बहुत टाइम लगेगा, पर बहुत टाइम लगेगा उस नीचे जाने के लिए। तो या फिर आप बाइक्स पे भी आ सकते हो आई गेस, उसका रास्ता मुझे पता नहीं फिलहाल। या एनीवेज बहुत मजा आया भाई चंद्रगिरी हिल्स, अभी हम नीचे जा रहे हैं केबल कार में, व्यू दिखाएंगे आपको फिर से। कहाँ देख रहे हो? ऊपर? मैं ऊपर देख रही हूँ आसमान की तरफ। डूड कितना मजा आ रहा है, उम्मीद छोड़ नाइस। ए वो देख चल के जा रहे हैं, देखिए क्या। हाँ वो देख, देखो घोड़े पे जा रहे हैं सब लोग। किधर? ओ दे दे, लड़की सेफली नीचे आ गई। डर लग रहा था? नहीं नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं डरे, खिड़की खुला था ना इसीलिए डर ही नहीं लगा। अगला अपना प्लान क्या है? पशुपति टेम्पल, हाँ लाइक काठमांडू रिटर्न जाना है आधा घंटा फिर से, 20 मिनट्स। ये मंदिर का नाम गुजेश्वरी है, ये शिव का पहला पति पत्नी का नाम सती था, जब उनका डेथ हुआ, डेथ होने के बाद शिव भगवान थोड़ा सा साइको हो गए, उसके बाद उन्होंने उनका बॉडी लेके पूरा वर्ल्ड घूम रहे थे। उसके बाद भगवान ने डिसाइड किया, कोई 2-3 भगवान ने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं चलना चाहिए, सो उनका बॉडी डिग्रेड होना स्टार्ट हुआ। सो डिग्रेड होते वक्त यहाँ पे फैला है या कोई एक सेक्शन गिरा है, वो यहाँ पे ऊपर गिरा है, वहाँ पे जा रहे हैं हम अभी। नेम क्या बोला था इसका? गुजेश्वरी। गुजेश्वरी, ओके।
हाँ पता नहीं अंदर अलाउड हो कि नहीं, पर बाहर तक तो अलाउड रहेगा शूट करना। से थोड़ी देर पहले पता है सती का पार्ट्स गिरा था, प्राइवेट पार्ट गिरा था। सो वो सबसे पहला पार्ट था जो गिरा था, और वैसा ऐसा और 52 पार्ट्स है, 52 ऐसा मंदिर है इंडिया नेपाल में और भी जगह पे हो सकता है, जो भी 52 पार्ट्स है। और ये वाला जगह सबसे पहले यहाँ पे गिरा था, इसीलिए ये थोड़ा स्पेशल है। और ये टेंपल जो है ये फर्स्ट टेंपल आता रहा जहाँ आप लोग इस रोड पर आ गए तो। हाँ, सबसे पहले यूजुअली पशुपति और गुजेश्वर, पशुपति जाने से पहले यहाँ पे आते हैं गुजेश्वरी आते हैं, उसके बाद ही पशुपति जाते हैं हमेशा। तो मतलब वो कोई रिचुअल है मतलब यहाँ से होके जाना बोलते नहीं? सो यूजुअली क्या है कि पहले माता का दर्शन करना, उसके बाद पिता का दर्शन करना है। ये माता वो, उसके बाद पिता के पास जाएंगे। अभी पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे अपन, 2 मिनट दूरी है उस मंदिर से। और ये यहाँ पे भी अंदर तक हम लोग जा सकते हैं, पर उसके आगे अंदर व्लॉग नहीं कर पाएंगे, बाहर आउटस्कर्ट्स तक हम लोग व्लॉग कर सकते हैं, अंदर अलाउड नहीं है। लास्ट टेंपल पे भी फ्रंट साइड में अलाउड नहीं था, उन्होंने हमें बोला था कि साइड में व्लॉग कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ तक व्लॉग होता है, राइट? हाँ, इसके बाद व्लॉग अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही व्लॉग है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सबसे पहले बताओ कैसा लगा ये टेंपल? मेरा मुंह दिखाओ ही मत। और आपके सारे रुद्राक्ष का सब कलेक्ट करके आई है ये लड़की। हाँ बताओ कैसा लगा अंदर? अच्छा है। आर्किटेक्चर सही है? मुझे अंदर घुसते इसका जो लुक था ना बहुत अच्छा लगा, व्यू है ना अंदर घुसते, पर अंदर फोटो नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली। और बाकी सब? बाकी सब भी मस्त है। भगवान वगैरह? हाँ बहुत सारे भगवान हैं। और शिवलिंग्स वगैरह कितने से? 501 नहीं, कुछ 550 था वहाँ पे। 550 चेक बनानी है। ओके, तो इन्होंने बोला 550 था। और वो जो छोटा छोटा जो हमने घुमा वो वाला 550, जो हम मेज की तरह घूम रहे थे वो दिखाई नहीं देगा आपको क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो उसमें लोकल लाइट ने बोला कि 550 था। तो गाइज अभी हम थमेल के एरिया में आ गए, हम लोग होटल गए थे, होटल में थोड़ा सा फ्रेश अप हुए और अभी जा रहे हैं हम ऐसे ही मार्केट एक्सप्लोर करने, देखें क्या क्या मिल रहा है इधर, कुछ कुछ चीज़ें खरीदनी है तो ऐसे ही मार्केट में घूम रहे हैं। और काफ़ी लाइवली एरिया ये थमेल एरिया, सो एज यू कैन सी बैक एट अ रूम नाउ। एंड आज के दिन काफ़ी अच्छा था, बहुत सही गया, चंद्रगिरी हिल्स में बहुत मज़ा आया। एंड देन उसके बाद हम लोग आके पूरा शॉपिंग वॉपिंग कुछ किए थे, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं किया उसका, शॉपिंग किए। एंड मार्केट्स बहुत अच्छा, अगर थर्मल एरिया में हो तो मार्केट्स एंड पब्स फिर जो भी आपका रेस्टोरेंट्स बहुत सही है। तो हम लोग गए थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में जाके खा पी के आए सब कुछ। एंड अभी हम जा रहे हैं सोने, मिलेंगे आप हमसे कल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस। हाँ, पार्क कर लिए सेफली दोनों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चंद्रगिरी। मैं खड़ा हूँ। हाँ, मैं खड़ा हूँ ना अभी। मत करो ये सब। धीरे से खड़ा होना बस।